तुरंत क्रिकेट ग्राउंड में आए हैं, सामने है मिस्टर रोहित। तो एक और शॉट संजीव सिंह यहाँ पे, और वो पीछे कराया जा रहा है, और ये देखिए और गजब का टिप्स को, और एक है गाइस, मैं चंद्रमा साहू, हमारे छोटे भाई संजीव गौतम सिंह के ब्लॉग में आज अपने गांव के क्रिकेट ग्राउंड, बहुत ही फेमस और पुराना क्रिकेट ग्राउंड को लाइव आपके साथ आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे गांव के ये सारे युवा प्लेयर्स एक बेहतरीन टूर्नामेंट खेलते हुए, और गाइस ये हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड है अभी इसका डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये क्रिकेट ग्राउंड इसको स्टेडियम बनाने का काम हमारी बिहार गवर्नमेंट कर रही है, बहुत ही पुराना। और ये आप जो देख रहे हैं वो हमारे हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट कॉलेज है, जो कि इस एरिया में ये इसमें काफ़ी बेहतरीन एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है बच्चों को, हम भी इसी हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं। और गाइस एक बहुत ही प्यारा और एक्सीलेंट मतलब नज़ारा कहने को मिल सकता है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत जगह। तो गाइस आप इस एनवायरनमेंट का एंजॉय कीजिए, फिर आपको मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो गाइस, हाउ आर यू, आज स्वागत है संजीव सिंह ब्लॉग एंड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको अपने गांव के शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट मैच को लाइव दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। गाइस ये क्रिकेट हमारे गांव में काफ़ी फेमस है, जो कि शॉर्ट बाउंड्री के नाम से हम लोग खेलते हैं इसको। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि केवल ज़मीनी शॉट खेलना पड़ता है, अगर आप एक दायरे के ऊपर से आप शॉट लगाते हैं तो 6 रन जाती है और उसको आउट करा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें केवल चौका ही मारने का रूल है। देखो ये, और ये रन आउट होने से बच गए। तो गाइस आप लोगों को दिखाते हैं ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि हमारे माघर और मघरी हाई स्कूल के ये प्रांगण में खेला जाता है। डेली 3 बजे से टाइमिंग है, 3 से 5। तो दोस्तों ये देखिए अभी आउट के लिए, और ये आप लोगों को बता दें कि हमारे संजीव सिंह जो कि इस चैनल के फंडर हैं वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, हाय। और खुद यूट्यूब चैनल के फंडर संजीव सिंह यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा शॉट, 1 रन कंप्लीट किए हैं, और गाइस रन आउट से भी बचे, लेकिन काफी एक्टिव और एनर्जेटिक। और अगली गेंद, और वो पुराने अंदाज में, वही अंदाज, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि और इस बार देखिए चौका लगाने के मूड में है संजीव सिंह, मेरे को थोड़ा पीछे कराया जा रहा है, और ये लेग में सही में चौका लगा दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन गैप ढूंढे हैं, गैप ढूंढ करके चौका लगाए हैं, ताकि फील्डर बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं इनको, तो उनको एक गैप दिखा था उस साइड में, हम जानते नहीं है वो कौन सा साइड होता है, हमारे प्रणव शिवम जी बताएंगे जी कौन सा वो चित्ररक्षक है। और ये देखिए शॉट लगाते ही 1 रन कंप्लीट किए, तो और इस बार ये देखिए, और गजब का गैप शॉट, बहुत ही बेहतरीन 4 रन। और देखिए ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं संजीव सिंह, हमारे ब्लॉक के फंडर, और गेंद नीचे रही थी, LPW होता नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप पैर से खेल सकते हैं।
नेक्स्ट गेंद, गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी लेकिन वहां से मारने की कोशिश, अगली गेंद और इस गेंद को हल्के हाथों से खेले हैं और एक आखिरी बॉल बची हुई है और ये देखिए, और इस गेंद को पैरों के सहारे रक्षात्मक ढंग से ओवर की समाप्ति। इसलिए हमारे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं राहुल कुमार सिंह, और इनकी गेंद को अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद डाला हुआ था, लाइन लेंथ बहुत ही बेहतरीन थी गेंद की, लेकिन उतने ही जबरदस्त प्लेयर थे। और इस बार राहुल सिंह अपने फिंगर टिप्स को, और एक गजब का रिवर्स शॉट, ये रिवर्स शॉट काफी कम देखने को मिलता है हमारे गांव के मैदान में, ये तो इंटरनेशनल मैच में ही प्लेयर खेलते हैं, लेकिन संजीव सिंह ऐसा हमारे क्रिकेटर हैं जो चारों तरफ फील्ड के चारों तरफ शॉट लगाते हैं। गांव के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में और एक बेहतरीन मेमोरेबल टूर्नामेंट के साथ, और ये आपके फेवरेट संजीव सिंह ब्लॉक के फंडर मिस्टर संजीव सिंह, मैं कहूंगा हेलो, आप एक बार हमारे यस प्लीज मिलिए आज, ये अभी आते ही इनको क्रिकेट का इतना जुनून है कि आते ही एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, और देखिए कितनी भीड़ जुटी हुई है, मतलब पूरे गांव के युवा इनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए तुरंत चले हैं। और गाइस हमारे ऋतिक एक काफी अच्छा क्रिकेटर हैं, अच्छे शॉट लगाते हैं, सिक्सर किंग माने जाते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा अटैकिंग खेलते हैं, उसी सेम उन्हीं के मतलब उन्हीं के कदमों पे खेलते हैं ये क्रिकेट। और ये देखिए अच्छे शॉट गई थी एक चार रनों के लिए गेंद, और संजीव सिंह खुद इस बार बॉलिंग करने के लिए गए हैं, सामने हैं मिस्टर रोहित, और ये गेंद, और ये गेंद बता दूं दोस्तों 6 रन चली गई, जो कि ये नियम के तहत आउट करार दिए गए, जो कि इस गेंद को जमीनी स्तर पे ही खेला जाता है, चौके के लिए केवल बस प्रसिद्ध है ये गेम, और अगर आप उछाल करके ऊपर से मारते हैं तो 6 रन अगर जाती है तो आउट करार दिए जाते हैं। तो और ये बहुत ही कैच ड्रॉप हुआ, पहले संजीव सिंह इस कैच को ले लिया करते थे लेकिन आज छूट गया है। एक और शॉट, सेम कैच लेकिन इस बार पकड़ लिए गए, 2 विकेट ले लिए इस ओवर में संजीव सिंह, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार बॉलिंग इस एम्पायर अनुपस्थित की वजह से थोड़ा सा वो बॉलिंग को लेकर के कंफ्यूजन है, बट अगली गेंद, और इस गेंद में बहुत ही अच्छा गेंदबाजी, 3 विकेट चटका लिए एक ही ओवर में, 3 विकेट, और फिर से एक बार रोहित शर्मा के स्पिनर ऋतिक सामने हैं हमारे, नाम नहीं जानते हैं बैट्समैन का, बट अच्छी शॉट खेले हैं इस बार। और गाइज एक बाउंड्री जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए, चूंकि ये गेंद पकड़ी जा सकती थी। और दोस्तों ये देखिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, और ये हल्के बैट से खेल करके 1 रन, गाइज, और अगली गेंद, बैट्समैन तैयार नहीं है अभी, और अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, और बहुत ही 1 रन दौड़ेंगे, बाल बाल बचे रन आउट से। तो गाइज फिर हम आपको अगले ब्लॉक में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।